हेलो दोस्तों, देखो ये करिए, हमने फिटिंग CPVC, ये हमने बना दिया टंकी का पॉइंट, ये बना दिया हमने आरओ का पॉइंट, ये हो गया हमारा ताज़ा ताज़ा टोटी, दो पॉइंट मांगेंगे। उसके बाद चलते हैं हम आगे, उसके बाद यहाँ देखो नीचे उतार देते लाइन। उसके बाद यहाँ पे एक वॉश बेसिन मांगा है इन्होंने, ये है एक सिंगल पानी से टंकी वाले से एक वॉश बेसिन लग जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम चलते हैं बाथरूम में लेकर आपको, ये हमने जीरे में ले आए थे, पिलर काटवाने को इन्होंने मना कर दिए थे इसलिए नीचे को उतारना पड़ा। वो 4 इंच के द्वारा ना ऊपर से देखो धीरे धीरे में जा रहे हैं दोनों पाइप, एक टंकी और ताज़ा। उसके बाद देखो यहाँ क्रॉस लगा दिया, ऐसे बोलते हैं क्रॉस बैंड, क्रॉसिंग करने के लिए। हमने टंकी की लाइन उठा दी बीच वाले, देखो बीच वाले से सीधा ऊपर टंकी से फुहारा जा रहा। और यहाँ पे हमने बना दिया, देखो मिक्सचर भी बना दिया, ये ताजी की है। सीधा हाथ पे देखो ये ताजी की लाइन है, ये टंकी की लाइन है, ये तीसरी वाली गीजर की लाइन है। उसके बाद देखो अगर हम यहाँ भी ऐसे ही क्रॉस बैंड मार देते हैं, लगता हमने ऐसे टी मार के ऐसे ले लिया था। उसके बाद देखो ये बन गया हमारे गीजर के पॉइंट, और इधर आ गया हमारा सावर दो पानी से। और मैं आगे लेकर चलता हूँ, देखो आपको यहाँ पर आएगी एक इंडियन सीट, ये देखो हमारा हो गया सिस्टम का पॉइंट, उस पर 3 फुट। फिर ये आ गया हमारी डब्बा टोटी, उसके बाद ये गेट बंद हो जाएगा जहाँ फाउल रखा है। यहाँ एक टोटी मांगी इन्होंने टंकी की, ये एक मैंने दे दिया आपको टंकी की टोटी। उसके बाद यहाँ पे हमारी आगे एक टुल्लू पंप की मोटर आ चुकी है, देखो मोटर भी कर दिया हूँ कंप्लीट। उसके बाद देखो बाहर आ गया हूँ मैं, बाहर से पाइप चढ़ेंगे इनके, हमने तो अपने पाइप लगा दिए ऊपर तक ही, देखो वो दिख रहे हैं 3 मंजिल तक चढ़े हुए दिख रहे। उसके बाद ही हमने जो बाहर की फ्लैश पानी की होती है वाले लाइन ऐसे जोड़ दी, इनका कनेक्शन था पुराना वाला अंदर का आधा इंची का था, वो काट दिया, अब 1 इंची से जोड़ चुके हैं। होम सेनेटरी।